भैया भैया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज आपको मैं बताता हूँ कि आज है ईद का दिन और इस वक्त सुबह सवेरे मैं उठ चुका हूँ। आपको मैं इधर से दिखाता हूँ, ये देखिए सूरज अभी अब निकल रहा है और सुबह सवेरे आज बहुत ही खुशी है इस ईद के दिन की। अभी तैयारी करते हैं थोड़ी देर तक और फिर जाना ईद की नमाज़ अदा करने। ईद की नमाज़ अदा करनी है और ईद की नमाज़ अदा करने के बाद जो कुछ करेंगे वो आपके साथ व्लॉग में शेयर करेंगे। बस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि हर मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो इस वक्त तकरीबन टाइम 7:50 कह रहा हूँ, 7:23 हो गए हैं और अब तैयारी मैंने मुकम्मल सही तरीके से कर ली है। कपड़े शपड़े नए पहन लिए हैं और अब ये कार बाहर निकालनी है। सबसे पहले तो ये चारपाई पड़ी है, इसको यहाँ से हटाते हैं और फिर कार बाहर निकालते हैं और फिर जाते हैं ईद की नमाज अदा करने अपने घर वालों के साथ, अबू चाचू और सब दादे अबू सब के साथ। कार को कल धोना था लेकिन नहीं धोया और इसकी हालत आज बहुत ख़राब है। सारा ऊपर घट्टा जमा हुआ है, इसी को किसी कपड़े के साफ कर लूँ कपड़े के जरिए। कार वगैरह पर कपड़ा वगैरह मैंने मार लिया और चाचू अब आ गया है। चाचू हंसता हुआ आ रहा है क्योंकि जो चाचू ने खुस्सा पहना हुआ है ना, ये लिया था नाने अबू के लिए। नाना अबू बैठा था इतकाफ में लेकिन नाने अबू को ना ये खुस्सा छोटा हुआ, नाने अबू का ना पाँव बड़ा निकला है, लेकिन चाचू ने फिर इस पर कब्जा कर लिया और अब हंस रहा है। किधर वेंदे पे वे ओडे ओडे किधर शादी ते जुम्मे वाली शादी ते वेंदे पे आज ही शादी ते वेंदे पे। वाह वे वाह, जुम्मे वाली शादी ते वेंदे पे, जुम्मे वाली शादी ते। माशाल्लाह रे माशाल्लाह रे अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जान ईद पढ़ ली है और अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और अब पहुंचने वाले हैं। बस पहुंच चुके हैं इस वक्त घर और सबसे मिलते हैं और सबको ईद मुबारक कहते हैं घर में, ठीक है जी। तो भाई जान ईद के एक दिन पहले अबू लाया था बच्चों के लिए साइकिलें, 7 साइकिलें हमने ली थी बच्चों के लिए अपने घर में। हमने उनको ना गिफ्ट देना था ईद के एक दिन पहले, हमने उनको ना ला के एक कमरे में बंद करके छुपा के रखी थी। अब ईद पढ़ के वापस घर आ चुके हैं और अब बारी है उन सबको उनकी साइकिल देने की बारी। पहले मैं आपको ये साइकिलें दिखा दूँ, ये हमने तकरीबन ईद के एक दिन पहले दिन ही ली थी, आपको मैंने पहले बताया, और छुपा के रखी थी। आज इनको हम देने वाले हैं सरप्राइज़। ये साइकिलें किफ़ाल हसन हुसना और सब की हैं, यानी तमाम छोटे बच्चों के लिए ली थी। अब बारी आती है इन सब को इनकी साइकिलें देने की। ये है आमना की साइकिल, ये सबसे बड़ी साइकिल है। उससे छोटी साइकिल ये है हुसना की और ये इसको दे दी है। ये साइकिल ये है हसन की और इसको दी है और ये सारे बहुत खुश हो गए हैं अपनी साइकिल दे के। हसन तो हैरान हो गया कि ये किस तरह आ गई है। ये रेड वाली साइकिल किफ़ाल की है, ये किफ़ाल को दे दिया और किफ़ाल अपनी साइकिल के बजाय दूसरी सारी साइकिलों को देख रहा है। ये जी साइकिल है इशाल फातिमा की,
और ये लिए हमने बुरहान की एक छोटी सी कार। ये इस पर बैठा हुआ है, चलानी इसको आती नहीं है। तो भाई ये साइकिल है फबिया की और इस पर म्यूजिक भी बज रहा है। फबिया इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हुई बैठी है। तो अब्बू जो जो सरप्राइज लेके आए थे इनके लिए वो इन सब के पास पहुँच चुके हैं। ये उबैद भी पीछे अपनी साइकिल लेके आ गई है, इसकी तो खैर पुरानी साइकिल है। इसने कहा चलो इन्होंने इन सब की नहीं है, मैं अपनी पुरानी लेकर आ जाता हूँ। और इनको सरप्राइज इन तक पहुँच चुके हैं। तो आज हमने पकाया जी ईद के दिन इकट्ठे का गोश्त। और ये मेरा छोटा भाई प्लेट में डाल रहा है और सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। ये इकट्ठे का गोश्त और साथ तंदूर की बड़ी मज़ेदार रोटी है। पूरी फैमिली सारे चाचू इकट्ठे बैठे हैं, दादा अबू भी नानी अम्मा सारे। तो दोस्तों ईद पढ़ के घर आ चुके हैं और सबसे यानी घर वालों सारों से मिले हैं। सबको ईद मुबारक है और ईद से मुबारकें ली भी हैं। खाना वगैरह खा लिया और कुछ देर अब रेस्ट किया। और अब घर वालों ने कहा कि जाओ कि वहाँ पे छोटा सा स्टोर है पंप स्टोर पे, वहाँ पे ना कोक की एक दो बोतलें लेनी है। वो लेने जा रहा हूँ अभी मोटरसाइकिल पे। तो आज के व्लॉग का यहीं करते हैं एंड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।